नमस्ते दोस्तों, मैं आरही, आरही के चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं सफर कर रही थी तो मुझे कबूतर दिख गए, तो इनको भी कैमरे में ले लिया मैंने। बहुत सुंदर लगे, और जब ये उड़ रहा था तो मुझे बहुत प्यारा लगा, बट गाड़ी निकल गई, ज़्यादा नहीं ले पाई थी। तो ये देख सकते हैं, चलिए पार्ट टू मैं लेकर के आ गई हूँ चंद्रकांता के किले का, जो रहस्यमय किला है, जिसकी वीडियो पार्ट वन हमारे चैनल पे अपलोड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, आप पार्ट वन देख लीजिएगा नहीं देखे हैं तो। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, चल रहे थे, सफर का मैं ये वीडियो बनाई हूँ। बहुत प्यारा लग रहा था, सारे नज़ारे इतने प्यारे लग रहे थे। देख सकते हैं बादल और पेड़ पौधे, बादल पहाड़ियाँ, जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और सफ़र करना मुझे अच्छा भी लगता है। ये देख सकते हैं, देखिए कितनी मतलब अच्छी जगह आपको मिलेंगी। सफ़र में भी अगर पेड़ पौधे दिखें, मौसम थोड़ा सा ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी, हल्की हल्की धूप वगैरह नहीं थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग रास्ते का एंजॉय कीजिए, वीडियो ज़रा सा भी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए तुरंत अपलोड होकर, और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगा। और सब्सक्राइब फ्री में होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। और सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है कि आप कभी देखना चाहें हमारी वीडियो और आप लोगों को वो वीडियो ना मिले। तो आरोही कुकिंग रेसिपी हमारे चैनल का नाम है, आरोही किचन टिप्स हमारा दूसरा न्यू चैनल है, तो आप उस पर भी मतलब जाके देखिएगा, अच्छा लगे किचन टिप्स तो सपोर्ट कीजिएगा उस चैनल को। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे उस चैनल का भी। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है, और रास्ते में बहुत ऐसी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी, पहाड़े पेड़ पौधे, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें जैसे कि मैंने कहा मुझे सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है। बचपन में ना मैं ये सोचा करती थी कि मेरी शादी हो तो इतनी दूर हो, इतनी दूर हो कि मतलब मैं जाऊँ सफ़र करूँ तो वो रास्ते मतलब जल्दी ख़त्म ना हो, मतलब कि चलते रहें रास्ते में, ऐसा मुझे लगता था बचपन में। बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे सफ़र करना, सॉन्ग बज रहे हों और भुट्टे मिल जाए रास्ते में तो भुट्टे खा लो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मुझे मैं सफ़र का एंजॉय की, बट हाँ जिन लोगों को उल्टियाँ वगैरह आती हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उल्टियाँ नहीं आती हैं। तो आप लोगों ने सफ़र का एंजॉय किया बताना कमेंट में वीडियो कैसा लगा। चलती हूँ, मिल लूँगी दूसरी वीडियो में, थैंक यू, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच।